रविवार शाम को बड़ी संख्या में राजेंद्र सूरी शाख सहकारी बैंक के खाता धारक इकट्ठे होकर अपनी अपनी जमा राशि दिलवाने की मांग को लेकर बैंक के खिलाफ नारेबाजी कर सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन देकर विधायक से जल्द बैंक में जमा राशि दिलवाने की मांग की गई। ज्ञापन में खाता धारकों ने बताया कि राजेंद्र सूरी शाख सहकारी संस्था की धार जिले में अन्य जगह पर भी संस्थाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें करीब 19,000 ग्राहकों के करोड़ों रुपए उक्त संस्था में जमा है। संस्था द्वारा ऋण वितरण एवं अन्य कार्य में बहुत अनियमितताएं की गई है, जिसकी वजह से ग्राहकों को उनकी जमा राशि प्राप्त नहीं हो रही है। विगत माह उक्त मामला जिला योजना समिति की बैठक में उठाया गया था, जिसके बाद जिला उपायुक्त भारती शेखावत द्वारा समिति गठित कर 15 दिन में जांच प्रतिवेदन तलब करने का आदेश दिया गया था, लेकिन बैंक में जो भी काले कारनामे उजागर ना हो, इसलिए ऑडिट ऑफिसर द्वारा जांच के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने दी जा रही। पूर्व में लगभग 110 से अधिक शिकायत उच्च अधिकारियों को दी गई, लेकिन खाता धारकों के हित में कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई है। जल्द ही हमारी जमा राशि प्रदान करवाने की कृपा करें और ऑडिट ऑफिसर को तत्काल निलंबित कर संस्था पर उचित कार्यवाही करें। साथ ही बैंक 2 माह से बंद है और राजगढ़ कार्यालय में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। डेली चल रहे हैं तो रेगुलर चल रहे हैं। जब 19,000 उपभोक्ता रजिस्टर्ड है, उसमें रिग्नोद भी शामिल है, उन उपभोक्ताओं को जमा पूंजी नहीं मिल रही है, उसको लेकर के मैं जिला योजना समिति में 2 बार शासन प्रशासन का ध्यान अवगत करा चुका हूं। जिला कलेक्टर धार ने 2 महीने का आश्वासन दिया था और आपने जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है, संबंधित अधिकारी के भी संबंध में लिखा है कि जो जांच प्रभावित कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार और शासन प्रशासन से बात करके आपकी समस्या को अवगत कराऊंगा, आपके समस्या का हल हो, निराकरण हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।